गुड मॉर्निंग एवरी वन सभी का स्वागत है आज के करंट अफेयर्स के सेशन में सो so, एक बार मिल आप सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और हाँ चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के अपने करंट अफेयर्स के सेशन की तो अभी तक जो जो बच्चे इस सेशन में नहीं आए हैं आप सभी लोग मिलकर एक बार शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी पता चल जाए कि उनकी करंट अफेयर्स की क्लास जो है वो स्टार्ट हो चुकी है है ना देख लेते हैं कौन कौन आ चुका है सेशन में अमन वेरी गुड मॉर्निंग सुजीत है कुशवाहा है धीरज है ऋतुराज है लला है सभी को वेरी गुड मॉर्निंग है एक बार आ जाइए फटाफट से और मिलकर आप सभी लोग सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए उसके बाद हम यहाँ पर शुरू करेंगे अपना जो आज का करंट अफेयर्स का सेशन रहने वाला है ठीक है ये तो सभी को पता है कि करंट अफेयर्स आपका एक ऐसा सब्जेक्ट हो जाता है कि आपके हर एक, एक एग्ज़ाम में पूछा जाएगा चाहे वो एस का एग्ज़ाम हो बैंक का एग्जाम हो यूपीएससी का एग्ज़ाम हो, हो चाहे आप टीचिंग में भी चले जाए तो कहीं ना कहीं एक दो क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा सो यहाँ पर हम स्टार्ट करने वाले हैं आपके करंट अफेयर्स का एक ऐसा सेशन पर हम वो सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ से करंट अफेयर से पूछी जाती हैं, ठीक है तो एक बार सभी बच्चे आ जाइए फटाफट से सेशन के अंदर उसके बाद हम यहाँ पर सेशन को स्टार्ट करेंगे नीरज विजेंद्र आशीष अमन सुजीत कुशवाहा सभी को वेरी गुड मॉर्निंग है एक बार सभी लोग मिलकर सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए है ना अगर सारी चीजें क्लियर है आवाज वगैरह क्लियर है कि नहीं सारी चीजें क्लियर है तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं अपने सेशन की सो मोटिवेशनल कोट आपके सामने ये रहा इसको पढ़ के पढ़ लीजिए टीचर्स कैन ओपन द डोर बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि भैया टीचर सिर्फ आपको आ, रास्ता जो है अगर आप बात करें रास्ता सिर्फ दिखा सकते हैं लेकिन उस पर चलने का काम सिर्फ आपका रहता है टीचर सिर्फ आपको बता सकता है कि आपको क्या क्या किस तरीके से आगे बढ़ना है क्या प्लान स्ट्रेटेजी आपको फॉलो करनी है लेकिन वो काम तो खुद आपको ही करना पड़ेगा यानी कि सिर्फ जो हार्डवर्क है जो मेन वाला हार्डवर्क है वो आप

बात करेंगे ये आपका सात दिसंबर को मनाया जाता है ठीक है हर साल कब मनाया जाता है ये आपके सात दिसंबर को हर साल मनाया जाता है आइए चलिए नौ दिसंबर की बात कर लेते हैं तो नौ दिसंबर की जब हम बात करें यानी कल की बात करते हैं कल हमने क्या मनाया था इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे है ना क्या मनाया था इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे जो है मनाया गया था दस दिसंबर की बात करते हैं तो दस दिसंबर को क्या मनाया जाता है ह्यूमन राइट्स डे ठीक है क्या मनाएंगे ह्यूमन राइट्स डे जो है दस दिसंबर को मनाया जाता है अच्छा अगर एक दिसंबर की बात करते हैं तो आपके सामने यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा एक बार सभी बच्चे इसको नोट करके रख लीजिएगा बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ठीक है अच्छा अब लाइन वाइज अगर हम बात करते हैं कि आपके दिसंबर में है ना आपके दिसंबर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेज है जो हम एक तारीख से शुरू करेंगे सो so, एक तारीख को हम क्या मनाते हैं विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाते हैं ध्यान से सुनिएगा फिर आता है दो दिसंबर तो दो दिसंबर के लिए हम लोग यहाँ पर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाते हैं हर साल और साथ ही साथ विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस भी मनाया जाता है नेक्स्ट पे आ जाते हैं तीन दिसंबर सो so तीन दिसंबर याद रखेगा विकलांग व्यक्तियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यहाँ पर मनाते हैं ये वाला भी इम्पॉर्टेंट है और पहला वाला भी आपका इम्पोर्टेंट है चार दिसंबर की बात करते हैं तो चार दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस यहाँ पर मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाते हैं पाँच दिसंबर जो कि ये भी इम्पॉर्टेंट है पाँच दिसंबर को हम लोग यहाँ पर मृदा दिवस के रूप में मनाते हैं यानी कह लो विश्व मृदा दिवस के रूप में मनाएंगे और लास्ट में आ जाता है छः दिसंबर यहाँ पर छः दिसंबर को क्या हो जाती है आपके डॉक्टर भीमराव राव अम्बेडकर की डेथ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है ठीक है भीमराव अंबेडकर जी डेथ की डेथ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है अगर लेकिन अगर हम बात करते हैं इनकी जयंती किस दिन मनाई जाती है यानी कि इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है वो आपकी हर साल चौदह अप्रैल वाले दिन ठीक है वो हर साल चौदह अप्रैल वाले दिन मनाई जाती है नेक्स्ट पे आ जाते हैं अभी जो है हमारी जो भाषा है हिंदी भाषा हिंदी भाषा को लेके एक इंटरनेशनल लेवल पे एक बात करते हैं एक सम्मेलन किया जा रहा है एक सबमिट करी जा रही है सो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर है एक बार पढ़ के आप सभी लोग मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आ, आंसर जरूर करिएगा कि यहाँ पर इसका सही जवाब जो है क्या होने वाला है देखिए हाल ही में भारत बारहवें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करेगा कहाँ पर करेगा ये लिखकर फटाफट से आंसर करेगा कि हाल ही में जो भारत है वो कहाँ पर बारहवें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन करने जा रहा है देखिए थाईलैंड फिजी स्पेन या फिर इनमें से कोई भी नहीं आंसर आ रहे हैं किसी का सुमित का आंसर ए आ रहा है देखो बेटा थाईलैंड नहीं है देखो थाईलैंड

है ऑप्शन नंबर बी यानी फिजी बिल्कुल यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा देखो अभी हम बात करते हैं क्या ऐसा एक बात हुआ कि अगर हम यहाँ पर फिजी की बात करते हैं फिजी में ऐसा क्यों किया जा रहा है तो किसी ने जो है अभी हाल फिलहाल में तीन भाषाओं को कितनी भाषाओं को तीन भाषाओं को जो है सरकारी भाषाओं का दर्जा दिया है ठीक है सरकारी भाषाओं को जो है यहाँ पर इसने दर्जा दिया और जिसमें से एक भाषा आपकी यहाँ पर हिंदी भी हो जाती है तो भैया भारत को ये चीज़ पता चली जब भारत को ये चीज़ पता चली कि फिजी ने ये चीज़ दी है तो भारत ने क्या बोला भारत ने बोला है कि भाई हम यहाँ पर एक प्रयोगशाला गिफ्ट करेंगे कहां पर गिफ्ट करेंगे फिजी के अंदर गिफ्ट करेंगे जिससे यहाँ पर लोगों को यानी रह रहे रह लोगों को फिजी में रह रहे रह 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 लोगों को पता चल सके हिंदी के बारे में इसको फरवरी के मंथ में यानी साल 2023 में आयोजन किया जाएगा ठीक है साल 2023 में इसका आयोजन किया जाएगा वेरी गुड मॉर्निंग अनिश ये सारी चीजें नोट करके रख

विनर होगा उसको पचहत्तर हजार रुपए देने की इन्होंने बात कही किसकी बात कही पचहत्तर हजार रुपए देने की यहां पर इन्होंने बात कही थी अच्छा अगर हम बात करते हैं सुबह की तो यहां पर आ, कहां पर आ जाएगा सुबह ये सुबह दिख रहा है और ये जो पूरा जगह दिख रही है ये आपको फिजी देश हो जाएगा ठीक है ये आपका फिजी देश जो है यहाँ पर हो जाएगा सो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पर नोट करके रखेगा जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है नेक्स्ट आ जाते हैं भैया ये तो हमको अच्छे से पता है कि अभी जो है आपके इलेक्शन हो रहे थे कहाँ कहाँ हुए थे अगर बात कर ली जाए सो आपके गुजरात में ठीक है आपके गुजरात में जो है अभी हाल फिलहाल में इलेक्शन हुए हैं और कौन सी पार्टी जीती है भाजपा पार्टी जीती है ठीक है कौन सी जीती है भाजपा जीती है अगर हम बात करें कांग्रेस की ठीक है कांग्रेस की बात करते हैं सो अभी हिमाचल प्रदेश में ठीक है हिमाचल प्रदेश ने किस पे भरोसा दिखाया है कांग्रेस पे भरोसा दिखाया है और कांग्रेस की सरकार जो है अब आपके हिमाचल प्रदेश में बन चुकी है। लेकिन गुजरात तो के जो सीएम है, है? यहाँ पर आपको दिख रहे हैं इनका नाम कमेंट के लिए फिर से बनाए जा रहे हैं फिर से यहाँ के सीएम बनाए जा रहे हैं है। क्वेश्चन पे आ जाते हैं देखो क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछ ही में भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री का पद संभालेंगे आंसर क्या हो जाएगा

पर बात करते हैं भूपेंद्र पटेल की सो भूपेंद्र पटेल कहाँ के फिर से सीएम बने हैं गुजरात के बने हैं आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वेरी गुड ऑप्शन नंबर बी आपके सामने इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट right आंसर है अच्छा नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं राजस्थान ठीक है आइए अगर हम राजस्थान के बारे में बात कर लें सो राजस्थान के सीएम कौन हो जाएंगे कमेंट सेक्शन में बताइएगा अशोक गहलोत जो है यहाँ के सीएम हो जाते हैं उत्तराखंड की जब बात करते हैं तो उत्तराखंड के अभी इनको भी फिर से यानी इनका सेकेंड टर्म जो है अपॉइंट किया गया था इनका नाम क्या हो जाएगा पुष्कर सिंह धामी ठीक है क्या है पुष्कर सिंह धामी जो है एकदम करेक्ट आंसर है अच्छा कर्नाटका की बात करते हैं तो कर्नाटका के भी सीएम है ना कर्नाटका के भी सीएम का नाम बताइएगा यहाँ पर कौन हो जाएंगे बसवराज बोमई ठीक है कौन है बसवराज बोमई जो है यहाँ पर इसके सीएम हो जाएंगे सो आंसर क्या हो गया आपके सामने बी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बहुत बढ़िया सुमित का आंसर सही है हाँ बिल्कुल सही अब यहाँ पर कहने का मतलब भैया छह बार जीत चुकी है पहले पास की बात कर रहे हैं अब जो आ रही है सो इसका फिर से इसने एक और एड ऑन कर लिया है ना फिर से यहाँ पर इसने एक और एड ऑन कर लिया है ये याद रखेगा चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट के ऊपर आ जाएंगे अगर हम पूरे पोल्स वगैरह की बात करते हैं कि आपके गुजरात में कितनी सीटें यानी कि कितना एरिया जो है यहाँ पर इसने कवर किया है सो तो देखिएगा अगर गुजरात में आपकी घुसपैठ आप जैसे यहाँ पर देख ही पा रहे हैं कि फर्स्ट नंबर पे कौन सी आई है सबसे ज्यादा किसको वोट मिले भाजपा यानी बीजेपी को वोट मिले हैं लेकिन सेकेंड पोजिशन पे कौन सा आया कांग्रेस आया है क्या नहीं कांग्रेस नहीं आया सेकेंड पोजीशन पे यहाँ पर आपकी आप पार्टी आई है कौन सी

सी पार्टी का सफाया देखने को मिल रहा है कांग्रेस पार्टी का सफाया यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है भले ही पर हम कह सकते हैं कि आपके गोवा में में भी रही, में भी रही दिल्ली है और पंजाब में भी हम हम है है तो तो ये आपका आपका रही ठीक नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं कांग्रेस तो आपके हिमाचल प्रदेश में मिली है यानी कह सकते हैं ना कि एक एक जो है जगह हर किसी को गया है ठीक है यानी सबका साथ और सबका विकास हम कह सकते हैं हर एक पार्टी का इसमें देख लीजिए जो डेटा दिया हुआ है गुजरात में आपकी घुसपैठ यानी कि वोट शेयर कितना हो जाता है अभी यानी कि जब हम 2022 2022 की बात करेंगे 2022 में कितना हुआ 12.9 तक बढ़ गया और 2017 में तो लोगों ने भरोसा दिखाया है तो ये अब क्या बन रही है निकल के सामने आ रही है वेरी गुड मॉर्निंग समझ में आ रहा है कि नहीं सभी को इसको देख लीजिएगा ठीक है अगर हम सीटों की बात करते हैं तो पांच सीटों पर जीती आप और पैंतीस सीटों पर नंबर दो पे आई है ठीक है पूरी कहानी समझा दी है सबसे पहले पे कौन आई है गुजरात आई है और दूसरे नंबर पे आपकी आप पार्टी आई है ठीक है दूसरे नंबर पे कौन सी पार्टी आई है आप पार्टी आई है आगे नेक्स्ट देख पा रहे आप इन सभी को जरा पहचानिएगा ये कौन है है ना जरा पहचानिएगा ये कौन है एक बार कमेंट सेक्शन में फटाफट से आंसर करो कांग्रेस अगर हम टोटल हंड्रेड की बात करें ना सो तो आपको थर्टी फोर सीट गई माने अगर हम हंड्रेड की बात करें तो चौंतीस हिस्सा आपका गया है उन्हें यानी आपको गया है, और सिर्फ सत्रह जो है जगह यानी सिर्फ सत्रह सीटें आपकी कांग्रेस की ठीक है पूरे ऑल ओवर हंड्रेड को अगर हम रेशियो लेके चलते हैं तो ठीक है नेक्स्ट आ जाता है और अगर जो आपकी गुजरात है गुजरात में बीजेपी कितने टाइम बाद आई है यानी कि हम कह सकते हैं सातवीं बार फिर से बनी है ठीक है कितनी बार सात बार सातवीं फिर से बनी है छह बार पहले भी जीत चुकी थी ठीक है बार पहले भी यहाँ पर ये जीत चुकी थी तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेगा आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर इन दोनों महान व्यक्तियों को तो आप पहचानते ही होंगे कौन हो जाते हैं एक बार लिख कर बताएगा खेमू गुड़िया अनिश दीपक एक बार फटाफट से सभी लोग इसको लिखकर बता दीजिए ये कौन हो जाते हैं और एक बार मैं सेशन को शेयर कर देती हूँ और आप लोग भी शेयर कर दीजिएगा देखिए एक तरफ तो हमारे इंडिया के कौन हो जाते हैं प्राइम मिनिस्टर हैं और एक तरफ हमारे बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं जिनका नाम क्या हो जाएगा शेख हसीना ठीक है जिनका नाम क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आपका शेख हसीना हो जाएगा बहुत बढ़िया सभी ने पहचान लिया किसने किसने पहचाना हानून ने पहचान लिया है सुमित कुमार जी ये तो सभी को पता ही है चलिए देखिए यहाँ पर सवाल आ रहा है आप सभी के सामने सवाल को पढ़ के आप लोग आंसर करिएगा कि इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो आपके सामने क्या है ठीक है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो बताएगा कि सही जवाब क्या होने वाला है देखेगा हाल ही में बांग्लादेश और भारत का इक्यावनवा मैत्री दिवस कब मनाया गया है सो so ये चार दिसंबर छः दिसंबर पाँच दिसंबर या फिर इनमें से कोई भी नहीं यानी कि सारे ऑप्शंस गलत है ठीक है आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर करते रहिए बाकी यहां पर हम लोग देखते हैं बांग्लादेश के बारे में सो so यहां पर बांग्लादेश के बारे में नेक्स्ट में देखेंगे पहले आंसर करिए हाल ही में बांग्लादेश और भारत इक्यावनवा मैत्री दिवस कब मनाया गया देखिए आप सभी को अच्छे से पता है कि उन्नीस में भारत द्वारा ठीक है भारत द्वारा बांग्लादेश को क्या मिला था ठीक है अपना एक खुद की आ, अगर हम बात करें एग्जिस्टेंस जो है दिलवाई गई थी भारत द्वारा बांग्लादेश को सो so, ये क्या मनाता है भारत और बांग्लादेश के बीच में तब से यहाँ पर याद रखेगा मैत्री दिवस जो है मनाया जा रहा है और अभी हाल फिलहाल में मैत्री दिवस का कौन सा क्रम जो है मनाया गया है इक्यावनवा क्रम जो है यहाँ पर मनाया गया है सो so, आंसर क्या हो जाएगा एक बार बताएगा चार दिसंबर है छह दिसंबर है या फिर आपका पांच दिसंबर है आंसर क्या हो जाएगा काफी इजी क्वेश्चन है है ना अनिश का आंसर छे खेमू का आंसर मैत्री अच्छा और बताइए याद आ रहा किसी को ऑप्शन नंबर बी बहुत बढ़िया ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाता है आइए चलिए बांग्लादेश के बारे में थोड़ी बात कर ली जाए क्योंकि बांग्लादेश हमारा एक ऐसा देश हो जाता है ठीक है बांग्लादेश एक ऐसा देश हो जाता है जो कि हमारे साथ सबसे लंबी सीमा रेखा को साझा करेगा ठीक है लिख लीजिएगा सबसे लंबी सीमा रेखा को जो है ये बांग्लादेश साझा करता है कितना करता है तो चार किलोमीटर स्क्वायर की रेखा को साझा करता है अगर हम इसकी कैपिटल की बात करते हैं है ना कैपिटल की बात करते तो कैपिटल कमेंट सेक्शन में बताएगा कैपिटल क्या हो जाएगी ढाका हो जाएगी और यहाँ पर अगर बात करेगा, यहां की की मुद्रा क्या चलती है तो आपकी टका जो है, यहां पर चलती है. कौन है शेख हसीना जो है यहाँ पर इसकी पीएम हो जाती है नेक्स्ट गंगा नदी पर जो, जो हम देख लेंगे गंगा नदी को आपके बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है किस नाम से पद्मा के नाम से जाना जाता है अच्छा अभी हाल फिलहाल में आपका गंगा विलास क्रूज चलाया गया था कौन सा गंगा विलास क्रूज जो है चलाया गया था ये कहां से कहां तक गया है ये आपके वाराणसी से लेके ठीक है से ये आपके वाराणसी से लेके आपके असम तक गया लेकिन गया तो है वाराणसी से लेके असम तक कौन से रास्ते से होके गया तो ये बांग्लादेश से होके गया ठीक है कहा से ये बांग्लादेश से जो है अभी हाल फिलहाल में होके गया तो हम कह सकते हैं कि इस तरीके इस रास्ते से ये आपका गंगा विलास क्रूज होके गया था अच्छा अभी आपके बांग्लादेश का जो है चौथे नंबर का है ना फोर्थ एडिशन का जो है फिल्म फेस्टिवल मनाया गया और ये कहाँ पर मनाया गया था तो ये आपके कोलकाता में मनाया गया था कहाँ पर ये आपके कोलकाता में मनाया गया था बिल्कुल गंगा पच्चीस पच्चीस इतनी यहाँ पर इसकी लंबाई हो जाती है नोट कर लीजिएगा सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंट है अच्छा अभी जो गंगा विलास क्रूज आपका वाराणसी से लेके असम तक गया है आ, ये ध्यान रखिएगा कि कौन से वाटरवे को कनेक्ट कर रहा है ये नेशनल वाटरवे वे वन को नेशनल वाटर वे टू से कनेक्ट करता है ठीक है नेशनल वाटर वे यानी कि गंगा वाले जो गंगा वाला है ठीक है इस किसको कनेक्ट करेगा नेशनल वाटर वे यानी जो आपका ब्रह्मपुत्र वाला हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ जाते हैं अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इनको पढ़ के आंसर करेगा कि यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होने वाला है वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन ठीक है वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन की जब बात करेंगे सो ये जो है आपका कहाँ पर मनाया गया देखिए बांग्लादेश से रिलेटेड आया है सो बांग्लादेश में ही कहीं ना कहीं ये आपका जुड़ा हुआ है बांग्लादेश से आंसर करके बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा शुभम संजय खेमू और भी जितने स्टूडेंट्स हैं देखिए अभी जो आपका वैश्विक युवा जलवायु शिखर सम्मेलन है ये कहाँ पर आपका आयोजित किया जाएगा ठीक है ये जो है कहाँ पर आपका आयोजित किया जाएगा आंसर करिएगा ये आपके बांग्लादेश में ठीक है ये आपके बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा अच्छा आपके ये हुसैन आपने नाम सुना होगा जो कि आपके क्रिकेटर हो जाते हैं ठीक है एक क्रिकेटर हो जाते हैं और इन्होंने अभी हाल फिलहाल में टेस्ट क्रिकेट से किससे टेस्ट क्रिकेट से जो है लेने की बात कही है 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 ठीक लेने की जो बात पर इन्होंने कही दी नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं तमीम इकबाल ठीक है तमीम इकबाल बताएगा ये भी आपके फेमस क्रिकेटर हो जाएंगे ठीक है ये भी एक फेमस क्रिकेटर है आपके बांग्लादेश के फिर आ जाते हैं वासिफा नाजरीन जो कि आपका इंपॉर्टेंट है ठीक है वसीफ़ा नाजरीन की जब हम बात करेंगे व वस, सॉरी वसीफ़ा नाजरीन तो ये आप लोग यहाँ पर याद रखेगा केटू का नाम सुना है ना केटू का नाम सुना होगा तो केटू को फतेह करने वाली है ना केटू को फतेह करने वाली बांग्लादेश की पहली महिला है ठीक है बांग्लादेश की पहली या फिर हम कह सकते हैं प्रथम महिला जो है ये बन चुकी है सो तो ये चीजें आप लोग नोट कर लीजिए फटाफट से आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर नेक्स्ट आपके सामने रहा, ये रहा मुस्तफिजुर रहमान ठीक है ये किससे रिलेटेड है भैया ये भी आपके बांग्लादेश से रिलेटेड हो जाते हैं सत्रहवें मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव ठीक है सत्रवा मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो है आंसर करके बताएगा कि ये जो है किस तरीके से आपका इससे जुड़ा हुआ है ठीक है ये जो है किस तरीके से आपका जुड़ा हुआ है आंसर जो मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ है वेरी गुड मॉर्निंग प्रिया देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं कि ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है इसने जो है बांग्लादेश को ठीक है इसने बांग्लादेश को क्या बोला है हाल ही में यहाँ पर ये चीज अनाउंस करी गई है कि ये कैसी कंट्री है इसे कंट्री ऑफ फोकस बोला गया क्या बोला कंट्री ऑफ फोकस जो है यहाँ पर बोला गया सो तो ये सारी चीजें भी आप लोग याद रखेगा अच्छा मुस्तफिजुर रहमान क्या है ये आपके बांग्लादेश ने इनको भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया गया था ठीक है बांग्लादेश ने इनको भारत में अपना उच्चायुक्त नियुक्त किया है समझ में आ रहा है सभी को हाँ वेरी गुड मॉर्निंग एवरी आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर सो तो ये सारी चीजें याद रखेगा अभी क्या इन्हें तो आप नहीं पहचान रहे बट हाल फिलहाल में अभी काफी सारी अपॉइंटमेंट्स करी गई हैं सो उन्हें हम देख लेंगे अभी हाल ही में योगेंद्र अलग का निधन हुआ है ठीक है बताएगा हाल ही में योगेंद्र अलग का निधन हुआ है ये कौन थे पत्रकार थे गायक थे अर्थशास्त्री थे यानी कि इकोनॉमिस्ट थे या फिर इनमें से कोई भी नहीं आंसर आ रहा है किसी का बताइए जयंता प्रिया, आनंदा, बताओ इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो आपके सामने क्या है ये कौन हो जाते हैं याद आ रहा है किसी को योगेंद्र का आंसर सी अनिश का आंसर ए अच्छा देखिए यहाँ पर कौन है सो आपको याद रखना है पहली बात तो अगर हम इनके योगेंद्र अलग की बात करते हैं तो ये पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री भी ये रह चुके हैं और साथ ही साथ ये एक अर्थशास्त्री भी थे ठीक है साथ ही साथ ये एक अर्थशास्त्री भी हो जाते हैं सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी सी ठीक है so पर आपके सामने बिल्कुल सही जवाब है अच्छा अभी लास्ट से जो है हम लोग देख लेते हैं कि किन किन फेमस पर्सनलिटीज का डेथ हुआ है तो सबसे पहले आ जाती है आपकी ईला भट्ट ठीक है ईला भट्ट याद रखेगा इन्होंने किसका फाउंडेशन किया था इन्होंने सेवा संस्थान का जो है स्थापना करी थी फिर आ जाते हैं अगर हम आ, इनकी ही बात करते हैं तो दलजीत कौर ठीक है दलजीत कौर आपको याद रखना है ये एक फेमस एक्ट्रेस यानी कि अभिनेत्री हो जाती हैं और ये किससे रिलेटेड थी तो ये पंजाब से रिलेटेड थी अभी हाल ही में इनकी भी डेथ हुई है फिर आपके थर्ड नंबर पे आ जाती है लता मंगेशकर ठीक है जो कि फेमस सिंगर तो है ये तो आपको अच्छे से पता है लता मंगेशकर आ जाती है फिर आते हैं आपके बप्पी लहरी ठीक है बप्पी लहरी का भी अभी हाल में निधन हुआ है फिफ्थ में आ जाते हैं मुलायम सिंह यादव है ना मुलायम सिंह यादव इनका भी अभी हाल फिलहाल में ही निधन हुआ है फिर आ जाते हैं सिक्स की अगर हम बात करें तो इतनी सारी चीजें आपको कैसी याद रहेंगी जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे है ना ज्यादा ज्यादा से प्रैक्टिस करोगे सिक्स पे आ जाते हैं क्या अभी हाल फिलहाल में आपके जो के जी एफ स्टारर है राव जी है ना के जी एफ स्टारर राव जी इनका अभी कल ही कल जो है हमने पढ़ाया था इनका अभी हाल फिलहाल में ही निधन हुआ है कुछ दिन पहले ये एक हॉस्पिटल में इन्हीं के अंदर हॉस्पिटल की बात करते हैं वहां पर इनका निधन हुआ है बहुत लंबी चलती बीमारी की वजह से ठीक है फिर आ जाते हैं कॉमेडियन थे जिनका नाम क्या हो जाएगा राजू श्रीवास्तव श्रीवास्तवा कानपुर से बिलोंग करते थे तो इनका भी अभी हाल फिलहाल में निधन हुआ है ठीक है इनका भी अभी हाल फिलहाल में निधन हुआ है ये सारी चीजें याद रखेगा आगे बढ़ जाता है नेक्स्ट ओ है ना नेक्स्ट यहाँ पर आ चुका है ओ सो ओ से क्या क्या चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट है वो एक बार हम लोग देख लेंगे क्वेश्चन आपसे ये बन रहा है कि हाल ही में ओएनजीसी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया बताना एक बार कमेंट सेक्शन में हाल ही में किसे ओ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है रतन गोयल को अरुण कुमार सिंह सी अचलेंद्र रेड्डी या फिर इनमें से कोई भी नहीं आंसर आ रहा है किसी का हाँ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन एक बार कमेंट सेक्शन में बताना जयंता अनिश प्रिया कुलेश्वर मनोज देखिए अभी हाल ही में अगर हम ओ की बात करते हैं किसकी ओ की बात करते हैं तो ये एक सरकारी ठीक है ये एक सरकारी महारत्न कंपनी है ठीक है ठीके? सरकारी महारत्न कंपनी

क्या बता रहे भैया ऑप्शन नंबर बी लगाया है ना तुम लोग कंफ्यूज कर देते हो एकदम से अरुण कुमार सिंह यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपके सामने यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ठीक है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा अगर हम बात करते हैं अरुण कुमार सिंह जी की तो ये है आपके अरुण कुमार सिंह जी अच्छा ये कहाँ पे पहले कार्यरत थे तो ये आपके बीपीसीएल के रिटायर्ड ठीक है बीपीसीएल के रिटायर्ड चेयरपर्सन भी ये हो जाते हैं ठीक है बीपीसीएल के रिटायर्ड चेयरपर्सन हो जाते हैं और अगर हम इनके टेन्यूज

के बारे में अगर हम बात कर लें। ठीक है अगर हम यहाँ पर ओ के बारे में बात करते हैं सो अगर इस क्वेश्चन से आपको अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाए कि ये किस मिनिस्ट्री से बिलोंग करती है है ना किस मिनिस्ट्री से बिलोंग करती है सो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम है ना मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से ये बिलोंग करती है अच्छा इसकी स्थापना अगर आपसे पूछ लें कि इसकी स्थापना कब हुई सो नाइनटीन में इसकी स्थापना हुई है अगर आपसे यहाँ पर एग्जामिनर पूछे कि इसका जो मुख्यालय है है ना अगर आपसे एग्जामिनर पूछे कि इसका जो मुख्यालय है, वो कहां पर देखने को मिलेगा सो so, नई दिल्ली के अंदर इसका मुख्यालय आपको देखने को मिलेगा। अच्छा ये ये चीज़ तो हमने बता दिया कि भैया कैसी कंपनी हो जाती है ये एक सरकारी महारत्न है और जब हम अभी के डेटा की बात करते हैं इंडिया में टोटल कितनी महारत्न कंपनीज हैं तो बारह टोटल महारत्न कंपनी हमारे इंडिया में आपको

देखो अगर हम प्रीति सुदन की बात करते हैं तो इनको अभी सेवा आयोग, लक्ष्मी वेंकटेश लक्ष्मी वेंकटेश किससे रिलेट करते हैं आई एन सी टीय की अगर हम बात करते तो ये कर्नाटका से जो है रिलेट करते ठीक है कर्नाटका से जो है ये रिलेट करते हैं तो ये सारी चीजें भी याद रखेगा नेक्स्ट आ जाते हैं आपके कौन सुंदर नेक्स्ट uh, आ जाएंगे आई एन टी यू सी कर्नाटका ठीक है ये चीज देख लेना आई एन टी यू सी कर्नाटका के नए अध्यक्ष हैं ठीक है कर्नाटका के नए अध्यक्ष इनको बनाया गया है अच्छा ने फिर आ जाता है थर्ड पॉइंट आपका सुंदरमन राममूर्तिंदरमन राम मूर्ति की जब हम बात करते हैं तो इनको अभी मैंने दो दिन पहले बताया था कि जो आपका सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है यानी कि हम बात करते हैं जो आपका सेबी है तो सेबी के द्वारा यहाँ पर बी यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए एम ठीक है नए एम और साथ ही साथ सीईओ को अपॉइंट किया गया था उनका नाम क्या हो जाएगा सुंदर रमन राम मूर्ति ही यहाँ पर इनका नाम हो जाएगा फिर आ जाते हैं अरुण गोयल के ऊपर सो अरुण गोयल कौन है अरुण गोयल हमारे इंडिया के इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया हो जाते हैं ठीक है ठीके? जिनको अभी हाल फिलहाल में इन्हें भी नियुक्त किया गया था अच्छा अगर आपसे पूछा जाए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सीई हमारे इंडिया का कौन है तो वो आपके राजीव कुमार है ठीक है कौन है वो आपके यहाँ पर राजीव कुमार कुमार हो जाएंगे तो ध्यान रखिएगा अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पूछे तो राजीव कुमार है अगर सिर्फ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया पूछे तो वो आपके अरुण गोयल हो जाएंगे ठीक है है तो तो इसे नोट कर लीजिएगा कौन तो सेबी द्वारा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नए और सीईओ नियुक्त करे गए हैं लक्ष्मी वेंकटेश की बात करते तो आई एन टी सी कर्नाटका के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया और प्रीति सुदन संघ लोक सेवा आयोग के नए मेंबर हैं। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट आ जाता है धनराज परिमल नाथवानी ठीक है धनराज परिमल राथवानी सो आपको याद रखना है गुजरात ठीक है गुजरात के अः क्रिकेट संघ के नए ठीक है क्रिकेट संघ के नए अध्यक्ष जो है इनको नियुक्त किया गया है फिर आ जाता है लास्ट में उमा शर्मा ठीक है उमा शर्मा अभी इनको एक पुरस्कार से नवाजा गया था ठीक है पुरस्कार से नवाजा गया था जिसका नाम हो जाएगा सुमित्रा चरत राम पुरस्कार ठीक है सुमित्रा चरत राम पुरस्कार जो है इनका अभी नाम हो जाएगा तो ये सारी चीजें भी याद रखेगा बिल्कुल गुड़िया धीरज खेमू आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट विनीत कुमार कौन भैया इनका नाम आ, आंसर बताओ विनीत कुमार को अभी हाल फिलहाल में एज अ सीईओ भी नियुक्त किया गया था लेकिन कहाँ के सीईओ नियुक्त किया गया सो के वी आई सी की यानी आ, आ, खादी और ग्रामोद्योग का यहाँ पर इनको सीईओ नियुक्त किया गया था ठीक है तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं याद आ रहा है कि नहीं किसी को देखो रिवीजन इसलिए करते हुए चलते हैं ताकि आपको एक साथ अगर जब पढ़ना पड़ेगा तो वो आपके लिए ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इसलिए हम लोग साथ साथ में जब भी अपॉइंटमेंट आती है तो उसके साथ अपॉइंटमेंट्स का रिवीजन जरूर करते हैं ठीक है चलिए गूगल पे आ जाइए अभी गूगल से रिलेटेड एक न्यूज़ है उसको यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन आपकी स्क्रीन पर ये रहा चलिए इसको पढ़ के आंसर करेगा यहाँ पर क्या हो जाएगा कि हाल ही में गूगल ने किस देश में गलत सूचना विरोधी अभियान शुरू किया है गलत सूचना विरोधी अभियान जो है अभी हाल ही में गूगल द्वारा कहा पर शुरू किया गया सिंगापुर में भारत में श्रीलंका में या फिर इनमें से कोई भी नहीं ठीक है या फिर इनमें से कोई भी नहीं आंसर आ रहा है किसी का बताओ गुड़िया खेमू दिलीप सभी लोग बताएगा क्वेश्चन का राइट आंसर देखो आपको पता है कि हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे जगहें हैं ठीक है बहुत सारे ऐसे जगहें का मतलब क्या हम कह सकते हैं ऐसे आपके प्लेटफॉर्म्स हो जाते हैं कौन कौन से भैया फेसबुक है ना इस्तेमाल करते ही हो व्हाट्सएप इस्तेमाल करते ही हो और इंस्टाग्राम यूज़ करते ही हो फिर यूट्यूब सबसे ज़्यादा यूज़ करते ही हो लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर यूज़ करने की नहीं है प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि इंडिया वाले यूज़ करने से ज़्यादा ठीक कि है कि किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं गलत अफवाहें फैलाने के लिए ठीक है गलत न्यूज़ वगैरह फैलाई जाती है आपने देखा होगा ना कितने सारे ऐसे फेक चैनल्स बने हुए हैं यूट्यूब पे जो कि सिर्फ गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं कितने सारे फेसबुक पे ऐसी पोस्ट हो जाती है जो कि गलत

तो तुम लोग अच्छे से समझते भी हो देखिए इसमें यह चीज़ बोला जा रहा है कि जो भी आपके यूट्यूब ठीक है अगर हम सिर्फ यूट्यूब की बात करते हैं तो ये क्या कर रहा है यूट्यूब में ऐसे अकाउंट्स को ब्लॉक कर रहा है ठीक है ऐसे अकाउंट्स को ब्लॉक या फिर हम कह सकते हैं डीएक्टिवेट कर रहा है जो कि गलत सूचना फैलाते हैं तो ये उन सब के लिए एक वार्निंग भी हो जाती है उन सारे ऐसे चैनल्स के लिए या फिर उन सारे ऐसे पोर्टल्स वगैरह के लिए जहाँ पर गलत न्यूज़ गलत अफवाहें फैलाई जाती हैं सो so, यहाँ पर गूगल क्या कर रहा है सरकार के साथ मिलकर है ना गूगल क्या कर रहा है गूगल कर रहा है भैया वो सारे ऐसे अकाउंट्स को ब्लॉक कर रहा है जो कि गलत इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट डूडल फॉर गूगल दो ठीक है डूडल फॉर गूगल दो ये क्या है ये एक कॉम्पिटिशन है जो कि गूगल के एम्प्लॉयज के द्वारा शुरू किया गया था ठीक है जिसमें कौन जीते हैं श्लोक बनर्जी ठीक है सॉरी श्लोक मुख्य खर्जी जो है यहाँ पर जीते थे नेक्स्ट पे आ जाते हैं क्या अभी सुंदर पिचाई सुंदर पिचाई याद रखेगा सुंदर पिचाई कौन है गूगल के सीईओ हो जाते हैं आपके सुंदर पिचाई और साथ ही साथ आपको ये याद रखना है अभी इनको हाल ही में एक अवार्ड दिया गया था भारत सरकार के द्वारा वो कौन सा अवार्ड है वो आपका पद्म भूषण अवार्ड जो है यहाँ पर इनको दिया गया है नेक्स्ट पे आ जाते हैं एल्फाबेट देखो एल्फाबेट एक ऐसी कंपनी है जो कि गूगल के अंतर्गत ही आती है ठीक है गूगल ने इसको अपने अंदर ले रखा है और यहाँ के भी सीईओ कौन हो जाएंगे सो so, सुंदर पिचाई आपके यहाँ कर भी सीईओ हैं ठीक है सुंदर पिचाई आपके यहाँ के भी सीईओ हो जाते हैं वेरी गुड आगे बढ़ जाते हैं so, इनसे यानी स्पोर्ट्स की न्यूज आज की ऐसी कौन सी आपकी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स की न्यूज है उन्हें भी हम लोग देख लेंगे कि हाल ही में दिग्गज शटलर शुकांत कदम ने पेरू पेरा बैडमिंटन इंटरनेशनल में कौन सा पदक जीता रजत कांस स्वर्ण या फिर इनमें से कोई भी नहीं है ना रजत कांस स्वर्ण या फिर इनमें से से कोई भी नहीं कमेंट सेक्शन में आंसर करिए और मुझे यह भी बताइएगा कि डब्ल्यू पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप कहां पर हुई थी है ना डब्ल्यू पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप कहां पर हुई थी इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए मनोज सिल्वर जीता है उपेंद्र दिलीप वेरी गुड मॉर्निंग सभी को आंसर एक बार बताइएगा और मिलके सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए है ना जिसने भी शेयर नहीं किया है और इसमें बताइएगा ये जो आपकी चैंपियनशिप बैडमिंटन से रिलेटेड है इसमें यहाँ पर इन्होंने कौन सा पदक जीता ठीक है इसमें यहाँ पर इन्होंने कौन सा पदक जीता है वो एक बार कमेंट सेक्शन में आंसर करना क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे दो मिनट देना बस चलिए बताइए यहाँ पर कौन सा जीता है वेरी गुड मॉर्निंग पवन याद आ रहा है किसी को देखो ये जो आपकी चैंपियनशिप है ठीक है अगर हम इस चैंपियनशिप की बात करते हैं ये जो आपकी बैडमिंटन से रिलेटेड चैंपियनशिप हो जाती है इसमें अभी हाल ही में जो आपके दिग्गज शटलर सुकान्त हैं ठीक है दिग्गज शटलर सुकांत कदम है अभी इन्होंने हाल ही में गोल्ड अवार्ड जीता है ठीक है अभी इन्होंने हाल ही में कौन सा अवार्ड जीता है सो गोल्ड अवार्ड यानी कि स्वर्ण पदक यहाँ पर इन्होंने जीता है अच्छा बिल्कुल सही अगर आपसे बात करें कि हाल ही में जो

सिल्वर मेडल हो जाएगा ठीक है ये यहाँ पर फिर से कौन सा मेडल लेकर आई है सिल्वर मेडल लेकर आई है और ताजुब की बात यहाँ पर ये ये हो जाती है कि ये है कि जो सिल्वर मेडल इनकी हाथ में चोट लगी हुई थी और चोट लगने की वजह से ठीक है अगर हम कह सकते हैं इनका गोल्ड आते आते रह गया नहीं तो ये गोल्ड लेकर आती है। लेकिन चोट लगते हुए लगने के बावजूद भी ये सिल्वर मेडल लेकर आई है ठीक है सो ये भी हमारे लिए क्या हो जाता है एक मोटिवेशन ही है कि जब ये हाथ में चोट होने की वजह से क्योंकि ये पहले प्रैक्टिस कर रही थी इसी चैंपियनशिप में जाने के लिए सो

फे थ अगर हम बात करते हैं ये जो आपकी क्लीन क्लीनथॉन है ये कहाँ पर शुरू हुई ये आपके गोवा में शुरू हुई किसने जो है यहाँ पर इसकी अध्यक्षता करी है यानी किसने सारी चीज़ें देखी सो so, प्रमोद सावंत ने यहाँ पर सारी चीज़ें देखी थी और अगर हम बात करते हैं तो फिफ्टी थर्ड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का भी आयोजन किया गया था ठीक है आयोजन किया गया था जो कि कहाँ पर किया गया था गोवा में सो so, इस इवेंट के ख़त्म होते ही ये जो आपका इवेंट चल रहा था इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया सो यहाँ पर ये चीज़ सोचा गया कि जैसे ये खत्म होगा प्रमोद सावंत जी ने ये चीज सोची चीज़ कि भैया हम क्या करेंगे हम यहाँ पर गोवा के अंदर क्लीन एथॉन यानी साफ एथॉन को शुरू कर रहे हैं ठीक है क्लीन एथॉन को यहाँ पर शुरू कर रहे हैं सो इसे आप लोग नोट करके रख लीजिए आगे नेक्स्ट हाँ बताना क्या बोल रहे हो कमेश्वर महादेव बताइए क्या बोल रहे हो आप कोई परेशानी कोई दिक्कत है बताओ क्या है कि परेशानी हो रही है ध्यान दे रहे हैं तुम्हारी कमेंट पे बताइए बताओ <laughs> बताओ भाई बताओ कुछ बोलना चाह रहे हो जो नहीं बोल पा रहे हो या फिर ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट बात बता रहे हो जो नहीं सुनी जा रही है और कुछ चले आगे बढ़ो नेक्स्ट पे आ जाते हैं आप बताइएगा गए ना आपकी कमेंट में ध्यान दे रहे हैं आप लिखिए आप क्या बोलना चाहते हैं चलो यहाँ पर देखो अभी आपके क्रिकेट से रिलेटेड एक अनदर क्वेश्चन आपके सामने आ जा रहा है कि हाल ही में किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है ठीक है जिसको अगर फास्ट अगर आपको पढ़ना है स्लो ठीक है जब स्लो आपको जब ये क्लास खत्म हो जाएगी तो आप रिकॉर्डेड वाली क्लास देख लीजिएगा और आप एक एक क्वेश्चन को दस दस बार पढ़िएगा ठीक है चलो इसमें आ जाइए हाल ही में किसे भारतीय महिला क्रिकेट टीम का बल्लेबाज बल्लेबाजी कोच नियुक्त किया गया है सो आंसर राहुल द्रविड है वीरेन्द्र सहवाग है एच कनेटकर है या फिर आपके इनमें से कोई भी नहीं ठीक है या फिर इनमें से कोई भी नहीं सो आंसर क्या हो जाएगा एक बार कमेंट सेक्शन में बताएगा किसको नियुक्त किया गया एच कानेटकर को जो है यहाँ पर नियुक्त किया गया है ठीक है एच कानेटकर को यहाँ पर नियुक्त किया गया है और अभी हाल ही में इनका जो कैप्टन है इस टीम का किसे बनाया गया शेफाली वर्मा को यहाँ पर अभी हाल फिलहाल में ही क्या नियुक्त किया गया कैप्टन यहाँ पर बनाया गया है नेक्स्ट पे आ जाते हैं क्या नेक्स्ट पे जो है एक लिस्ट है है ना एक लिस्ट है कि हाल ही में बीबीसी

प्रियंका चोपड़ा जोनस हो जाएंगी है ना एक तो आपकी प्रियंका चोपड़ा जोनस है और दूसरी आपकी शीर्षी बंदला है तीसरी आपकी गीतांजलि गीतांजलि श्री है, श्री ने क्या लिखा था द द टॉम टॉम ऑफ ऑफ सैंड सैंड ठीक है ये बुक यहाँ पर इन्होंने लिखी है जिसको अभी हाल ही में बुकर अवार्ड ठीक है जो लिटरेचर में दिया जाता है बुकर अवार्ड जो है मिला था ठीक है फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं आपकी कौन ये स्नेहा जावले ठीक है स्नेहा जावले आ जाती है तो टोटल इन चार वुमेन का नाम आपको लिस्ट में देखने को मिलेगा आगे आ जाते हैं आज का जो आपका स्टैटिक जीके का पॉइंट है उन सारे स्टैटिक जीके क्वेश्चंस को हम यहाँ पर लेके चलेंगे जो कि आपका टेम्पल्स इन इंडिया का है ठीक है जो कि आपका टेम्पल्स इन इंडिया का है सो तो एक बार सभी लोग मिलकर सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा और अब हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं कौन से क्वेश्चन अब हम यहाँ पर आपके वो सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे जो कि आपके स्टार्टिक जीके के टेम्पल्स इन इंडिया से रिलेटेड हो जाएंगे ठीक है स्टार्टिक जीके के टेम्पल्स इन इंडिया से रिलेटेड हो जाते हैं चलो बहुत बढ़िया देख लीजिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा एक बार पढ़ के आंसर करिएगा इसका सही जवाब है देखो आप सभी को अच्छे से पता है कि आपका जो एग्ज़ाम

खंड तेलंगाना गुजरात या फिर ये राजस्थान में है वेरी गुड मॉर्निंग आकाश बताइए पर इसका आंसर क्या हो जाएगा यादाद्री मंदिर ठीक है अगर हम इसकी बात करते हैं चलो ध्यान से सुनना ये आपको दक्षिण भारत में मिलेगा और कहा पर सो ये तेलंगाना में मिलेगा ठीक है तेलंगाना यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा ठीक है बी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है अच्छा तेलंगाना की बात करते हैं सो यहाँ पर इसकी कैपिटल क्या हो जाएगी बताइएगा बेंगलुरु जो है यहाँ पर इसकी कैपिटल

और बताना जरा कि रामाप्पा मंदिर जो है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा असम में मिलेगा कि तमिलनाडु में कि जम्मू कश्मीर में मणिपुर में कहाँ पर है ऑप्शन नंबर सी बहुत बढ़िया सी बिल्कुल यहाँ पर आपके सामने सही जवाब है आगे क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर बताएगा ये तो बहुत ईजी है आप सभी के लिए कि काशी विश्वनाथ मंदिर जो है ये आपका कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ठीक है सो देवप्रयाग उत्तराखंड भुवनेश्वर उड़ीसा वाराणसी उत्तर प्रदेश या फिर नैनीताल उत्तराखंड हमें यह देखने को मिलेगा आंसर आ रहा है वेरी गुड मॉर्निंग निलेश देखिए ये कहाँ पर आ जाता है अगर हम बात करें तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ मंदिर आएगा अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं बद्रीनाथ धाम कहाँ पर है आई थिंक विजिबल तो है ही जो लिखा हुआ है बताइए आंसर आ रहा है यहाँ पर क्या होने वाला है क्वेश्चन आंसर सी बता रहे हैं और बताना बद्रीनाथ का टेम्पल कहां पर है बहुत ईजी सा है बताओ भाई बताओ बहुत इजी है ऑप्शन नंबर सी या फिर डी एक, एक मिनट एक मिनट एक मिनट यहां पर ये बोल दिया क्या एक मिनट भैया तेलंगाना ठीक है तेलंगाना की बात करते तो ये क्या कर दिया एक मिनट इसके लिए सॉरी है ना जो आपका तेलंगाना की कैपिटल है गलती से निकल गया ठीक है तेलंगाना की कैपिटल बेंगलुरु नहीं बस दो मिनट रुको यार ये क्या हो रहा है इसमें हैदराबाद कर लीजिएगा ठीक है ये कर लीजिएगा ठीक है इसको एक बार चेंज करके अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा उसे चेंज कर लेना ठीक है हाँ बिल्कुल हैदराबाद है वो गलती से लिख दिया था अगला क्वेश्चन है और किस क्वेश्चन पे हम लोग थे बद्रीनाथ का टेंपल ठीक है so, सो बद्रीनाथ का टेंपल आपको कहां पर देखने को मिलेगा ये आपको उत्तर भारत में आ, मिलेगा जो कि आपका कौन सा स्टेट आ जाएगा उत्तराखंड आ जाएगा ठीक है कौन सा स्टेट आ जाएगा उत्तराखंड यहाँ पर आ जाएगा अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है इसको एक बार देख लीजिएगा श्री विजय विठल मंदिर कहाँ पर स्थित है उत्तर प्रदेश में कर्नाटका में राजस्थान में या फिर ये झारखंड में आ जाएगा ठीक है या फिर ये झारखंड में आ जाएगा सो इसका एक बार कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइए

गुजरात कोलकाता बंगाल या फिर पठानकोट पंजाब में आ जाएगा ऑप्शन कौन सा सही है सी वाला होगा और भैया बहुत सही आंसर कर रहे हो तुम लोग सी वाला बिल्कुल यहाँ पर सही हो जवाब हो जाएगा अगले क्वेश्चन बढ़ जाते चूहो के मंदिर यानी करणी माता का मंदिर कहां पर है याद आ रहा है किसी को जब आप इस मंदिर में जाएंगे ना इस मंदिर में जब आप एंटर करेंगे तो आपको बहुत सारे व्हाइट कलर के चूहे देखने को मिलेंगे ठीक है बहुत सारे व्हाइट कलर के चूहे भी देखने को मिलेंगे और कहीं कहीं आपको ब्लैक कलर के चूहे भी देखने को मिलेंगे ऐसा माना जाता है ठीक है ऐसा माना जाता है कि राजस्थान में ये जो मंदिर है ठीक है ऐसा माना जाता है कि जो राजस्थान में ये करणी माता का मंदिर है ये पहली बात तो यहाँ की लोक देवी हो जाती है और नेक्स्ट थिंग ये है कि ये जो चूहे है ये इन्हीं का अवतार है

किलो केरला बता रहे हो बहुत बढ़िया है ना कहाँ पर आ जाएगा ये आपके केरल में जो है स्थित हो जाएगा आइए चलिए केरल के बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए सो केरल की कैपिटल क्या हो जाएगी थिरुवनंतपुरम है ना थिरुवनंतपुरम जो है यहाँ पर इसकी कैपिटल है अच्छा हम है, तो अगर हम सी की बात करते हैं तो सी कौन हो जाएंगे एम स्टेलिन यहाँ के सॉरी अगर हम सीएम की बात करते हैं तो वो कौन हो जाएंगे पिन रही विजयन जो है यहाँ पर इसके सीएम है और गवर्नर अगर पूछ ले तो गवर्नर याद रखेगा आरिफ मोहम्मद खान हो जाते हैं ठीक है गवर्नर कौन है आरिफ मोहम्मद खान जो है यहाँ पर इसके गवर्नर हो जाते हैं हाँ बिल्कुल सही एकदम सही जवाब हो जाएगा अच्छा केरल की अगर बात करें ना तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि ऐसा कौन सा स्टेट है है ना ऐसा कौन सा स्टेट है जहां पर बहुत सारे लोग यानी सबसे ज्यादा इंटरनेट सुविधाएं इस्तेमाल करने वाला ऐसा कौन सा राज्य है सो वो आपका केरल हो जाता है यानी अगर हम बात करें अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि आपको केरल में ही देखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्या है नटराज मंदिर कहां पर स्थित है तमिलनाडु अरुणाचल प्रदेश हरियाणा में है या फिर या आपको हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा ठीक है या फिर ये हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा सो इसका भी आंसर कमेंट सेक्शन में फटाफट से बताओ कि ये जो टेंपल है ये आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा देखिए अगर हम इस टेंपल की बात करते हैं इस टेंपल की बात करते हैं तो ये आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा जो आपका नटराज मंदिर है अच्छा आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा कि ये जो आपका मंदिर है ठीक है ये जो आपका मंदिर है ये किस भगवान को समर्पित हो जाता है क्योंकि तो एग्जाम में क्वेश्चन जो है इस तरीके से भी पूछे जाते हैं ठीक है एग्जाम में क्वेश्चन जो है इस तरीके से भी पूछे जाते हैं क्लियर है चीज़ें सभी को चलो एक मिनट रखना बिल्कुल 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 आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर थर्टी है रथ मंदिर आपसे पूछ रहा है और क्या आप सभी को याद होगा कि ये जो आपका रथ टेंपल है किसी एक एग्जाम में पूछा गया है ठीक है और साथ ही साथ रथ मंदिर है तो भैया ये तो आपको कहीं ना कहीं लग ही रहा होगा कि ये आपके दक्षिण भारत का है आंसर करके बताएगा इसका सही जवाब क्या है ऑप्शन ए अच्छा रथ मंदिर कानपुर बता रहे हो प्रिया यहाँ पर बताएगा कि रथ मंदिर कहाँ पर है ठीक है रथ मंदिर कहा ऑप्शन नंबर सी सुजीत का आंसर सी आ यार देखो रथ मंदिर ये भी दक्षिण भारत में मिलेगा और मिलेगा कहाँ सो ये महाबलीपुरम में ठीक है महाबलीपुरम में जो कि आपको तमिलनाडु में देखने को मिलेगा अच्छा तमिलनाडु की कैपिटल क्या हो जाएगी चेन्नई यहाँ पर इसकी कैपिटल हो जाएगी और एक चीज याद रखेगा जो आपकी पांचवी वंदे भारत एक्सप्रेस है ठीक है पांचवी वंदे भारत एक्सप्रेस है वो आपकी कहाँ से कहाँ तक जा रही है यानी उसका जो रूट है रास्ता कहाँ से कहां तक है चेन्नई

एलीफेंट्स की डेथ का ऑडिट रखता है ठीक है किसका की डेथ का ऑडिट जो है ये यह यहाँ पर रखता है आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे रामनाथ स्वामी मंदिर कहाँ पर देखने को मिलेगा बताइए रामनाथ स्वामी मंदिर कहाँ पर है धीरज हनून उपेंद्र सुधाकर भाई सभी का आंसर आना चाहिए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है देखिए यहाँ पर हम बात करें रामनाथ स्वामी मंदिर कहाँ पर आएगा तो आपको याद रखना है ये आपके रामेश्वरम ठीक है रामेश्वरम तमिलनाडु में मिलेगा ठीक है रामेश्वरम तमिलनाडु में मिलेगा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहुत बढ़िया ए हो जाएगा क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब सुमित निलेश टेक्निकल टीम टेक्निकल टीम है ना ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर इसका आंसर करो शोर मंदिर जिसे हम तट मंदिर कहते हैं ये कहां पर देखने को मिलेगा बताइए शोर मंदिर आपको पता है ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कहां पर आएगा जयपुर में बेटा जयपुर में नहीं है क्या है तुम राजस्थान वेस्टर्न इंडिया में पहुंचाए दे रहे हो इसे ये दक्षिण भारत का टेम्पल है और ये महाबलीपुरम तमिलनाडु में मिलेगा अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनाक्षी मंदिर कई बार पूछा जाने वाला मंदिर और बताइए मीनाक्षी टेम्पल आता है आ, राकेश का आंसर रंजन का आंसर ए, सुमित का आंसर बहुत बढ़िया। मिनाक्षी आपको साहिब कहां पर है? बताएगा, अब ये थोड़ा सा है, ये थोड़ा सा है, साहिब कहाँ पर आ जाएगा जयपुर राजस्थान चमोली उत्तराखंड अमृतसर पंजाब या फिर कर्नाटका में ठीक है या फिर कर्नाटका में

अब आ रही है आवाज? पता मिथिलेश साउंड क्लियर नहीं है अब आ रही आवाज कुछ परेशानी खत्म फीलिंग बेटर नाउ परेशान कर देते हो यार तुम लोग आवाज नहीं आ रही आवाज नहीं आ रही अब ठीक है सब ठीक है तो हाथ उठा के बोलो सब कुछ क्लियर है साउंड नहीं आ रहा है अब ठीक है अंगित अपने फोन का साउंड तो नहीं बंद कर रखा तुम लोगों ने परेशान करने के लिए जानबूझ के ओके है चलिए ओके है तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ उत्तराखंड देख लीजिएगा जो चीजें बताई हैं क्या पता नहीं सुन पा रहे हो तो फिर से बता दे रहे हैं कि नैनीताल में इसका हाई कोर्ट जो है आ, था और भेजा जा रहा है इसका ठीक है देख लीजिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अगला क्वेश्चन है केदारनाथ का मंदिर बहुत ईजी क्वेश्चन है केदारनाथ का मंदिर कहां देखने को मिलता है केदारनाथ जाना है तो कहा जाओगे महाराज जाओगे झारखंड जाओगे उत्तराखंड जाओगे या फिर आंध्र प्रदेश जाओगे बताइएगा कहां पर जाएंगे ऑप्शन नंबर सी यानी उत्तराखंड जाओगे जाओ, जाओ भैया सी बिल्कुल सही है आगे क्वेश्चन प्रेम मंदिर कहां पर है हम्पी कर्नाटका वृंदावन उत्तर प्रदेश जोधपुर राजस्थान बेंगलुरु कर्नाटका प्रेम मंदिर कहाँ पर आ जाता है बताएगा मिथिलेश सी उपेंद्र अनमोल नीलेश कहां पर आएगा? बहुत बढ़िया वृंदावन उत्तर प्रदेश और कृष्ण भगवान को समर्पित है विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ पर देखने को मिलेगा काशी यूपी रांची झारखंड कांगड़ा हिमाचल प्रदेश या फिर कानपुर उत्तर प्रदेश है ना या फिर कानपुर उत्तर प्रदेश आंसर आ रहा है किसी का कहा पर है ये काशी उत्तर प्रदेश में है आपका विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग टेम्पल ठीक है काशी उत्तर प्रदेश में है आपका ये जो आपका टेम्पल है आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर देखने को मिलेगा उत्तराखंड राजस्थान पट्टाडकल कर्नाटका या फिर बेंगलुरु कर्नाटका ठीक है या फिर बेंगलुरु कर्नाटका रानी ऑप्शन नंबर ए और आ रहा है किसी का जवाब ये जो आपका टेम्पल है विरूपाक्ष टेम्पल ये पूछा जाता है वैसे और एक विठल मंदिर भी पूछा जाता है ये आपका सी यानी ऑप्शन नंबर सी कर्नाटका के अंदर देखने को मिलेगा आगे बढ़े अगला क्वेश्चन ये रहा नैना देवी मंदिर कहाँ पर है बताइएगा तमिलनाडु छत्तीसगढ़ राजस्थान या फिर हिमाचल प्रदेश अभी तो भैया हिमाचल प्रदेश वालों ने गजब भी कर दिया है क्या कर दिया है यहाँ पर कांग्रेस आ चुकी है ठीक है कांग्रेस आ चुकी है लेकिन सीएम कौन बनेंगे अभी ये चीज खैर पूरी तरीके से क्लियर नहीं हुआ है जब क्लियर होगा तो बता दिया जाएगा कि हिमाचल प्रदेश के सीएम अब नए वाले कौन हैं ये नैना देवी मंदिर आपको हिमाचल प्रदेश में ही देखने को मिलेगा ठीक है हिमाचल प्रदेश में यानी टी बिल्कुल यहाँ पर सही हो जाएगा आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं तिरुपति बालाजी श्री वेंकटेश मंदिर कहाँ पर देखने को मिलेगा बताएगा तिरुपति बालाजी श्री वेंकटेश मंदिर कहाँ पर आता है आंसर एक बार देना कि इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा पहली बात तो याद रखेगा कि ये जो आपका है ये आपके दक्षिण भारत में है और आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा ठीक है आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगा आगे क्वेश्चन बढ़ जाते हैं नेक्स्ट है आपके सामने सुकरेश्वर मंदिर कहाँ पर आएगा बताइए सुकरेश्वर मंदिर उड़ीसा गुजरात असम पंजाब उड़ीसा गुजरात असम पंजाब कहां पर आता है सुकरेश्वर मंदिर ठीक है ऑप्शन नंबर डी बेटा डी पंजाब में नहीं है अगर हम इस मंदिर की बात करते हैं तो ये उत्तर पूर्वी भारत ठीक है कहां पर उत्तर पूर्वी भारत में देखने को मिलेगा और ये जो है आपका टेंपल ये आपको याद रखना है ये टेंपल असम में आएगा आइए असम के बारे में बात कर ले जाए असम की कैपिटल यहां पर दिसपुर हो जाएगी फिर उसके बाद यहां पर याद रखिएगा असम के जो सीएम है ठीक है असम के सीएम हेमंत विश्व शर्मा तो हेमंता बिश्व शर्मा आप लोग याद रखेंगे ये सीएम हो जाते हैं आपके असम के और गवर्नर जब आपसे पूछता है सो गवर्नर यहाँ पर है जगदीश मुखी ठीक है जगदीश मुखी यहाँ पर इसके गवर्नर है आगे बढ़े अगले क्वेश्चन के ऊपर कामाख्या मंदिर कहाँ पर मिलेगा बताइएगा कामाख्या मंदिर उपेंद्र सी सचिन पदा भाई आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ये जो मंदिर है ये गुवाहाटी मिलेगा अगला क्वेश्चन मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर कहाँ पर आ जाता है ये उत्तराखंड में आंध्र प्रदेश एमपी या फिर राजस्थान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग टेम्पल कहाँ पर है ये ऑप्शन कौन सा सही है यहाँ पर बिल्कुल सही आंध्र प्रदेश में है अगला क्वेश्चन वारा लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर ये बताएगा वारा लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर ये कहाँ पर देखने को मिलेगा देखो ऐसे ऐसे नाम है ना कि आप नाम ही सुन के पता लग जाएगा कि ये साउथ इंडिया में है लेकिन कहाँ पर है सो ये आपके विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में अगला क्वेश्चन वीरभद्र मंदिर कहाँ पर देखने को मिलेगा ठीक है वीरभद्र टेम्पल कहाँ पर देखने को मिलेगा आंसर क्या हो जाएगा ये आपके आंध्र प्रदेश में ठीक है ये आपके आंध्र प्रदेश में मिलेगा और आंध्र प्रदेश की कैपिटल अब क्या हो गई है अमरावती हो गई है ठीक है क्या है सो so, अमरावती अब यहाँ पर इसकी कैपिटल हो गई है और अगर आपसे पूछे हमारे इंडिया का नवीनतम हाई कोर्ट कौन सा है सो so, वो अमरावती हाई कोर्ट है ठीक है कौन सा है अमरावती हाई कोर्ट है आगे बढ़ जाइए महाबोधि मंदिर कहाँ पर देखने को मिलेगा बिहार असम केरल त्रिपुरा ठीक है बिहार असम केरल या फिर त्रिपुरा ये कहां पर देखने को मिलेगा बताइए याद रहेगा किसी को महाबोधि मंदिर ये आपको बिहार में देखने को मिलेगा यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है ठीक है आगे क्वेश्चन बढ़िए नेक्स्ट मामा भांजा मंदिर कहाँ पर है अभी कुछ दिन पहले सास बहु मंदिर पढ़ा था बताना जरा रहा है एक बार स्पीड में सास बहू मंदिर ठीक है सास बहु मंदिर कहाँ पर आ जाता है एक बार आंसर करेगा और ये जो मामा भांजा मंदिर है कहाँ पर है राजस्थान छत्तीसगढ़ उत्तराखंड या फिर नैनीताल उत्तराखंड और सी वाला है देवराज उत्तराखंड बताइएगा ये कहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी प्रिया का आंसर डी योगेंद्र छत्तीसगढ़ बहुत बढ़िया छत्तीसगढ़ में ये आएगा आगे क्वेश्चन ये बताओ ये भी बताइएगा सास बहु मंदिर अभी कल की क्लास में पढ़ाया था सास बहु मंदिर कहाँ पर है सो आंसर करिएगा इस पर देखिएगा कि सोमनाथ मंदिर कहाँ पर आ जाता है सो so ये पंजाब गुजरात बिहार या फिर महाराष्ट्र में सोमनाथ टेम्पल है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है राजस्थान बहुत बढ़िया पिछले वाले का है ना इसका आंसर क्या हो जाएगा गुजरात यानी बी बिल्कुल सही है यहाँ पर अगला क्वेश्चन अच्छा गुजरात के बारे में एक चीज देख लीजिएगा कि गुजरात में तो हमको पता ही चला गया भैया बीजेपी आ चुकी है ठीक है और कितने सबसे ज्यादा वोट इसको मिले हैं और सेकेंड नंबर पर आपकी आप पार्टी रही है अच्छा नेक्स्ट पे आ जाते हैं गुजरात अभी हाल फिलहाल में एक ऐसा स्टेट बन गया हमारे इंडिया का जिसने अपने हर जिले में जिसने अपने हर जिले में 5G इंटरनेट सेवा शुरू कर दी है ना 5G इंटरनेट सेवा अपने हर जिले में इसने शुरू कर दी है और 2022 का जो डिफेंस एक्सपो है दो का जो डिफेंस एक्सपो है वो कहां पर हुआ है वो आपके गांधी नगर में हुआ ठीक है वो आपके गांधी नगर में हुआ है सो आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ये सारी चीज़ें याद रखेगा आगे गुजरात से खैर ये भी आ, याद रख सकते हैं कि एशियटिक लायंस ये भी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है जो एशियाई शेर हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं गिर वन यानी कि अगर हम बात कर सकते हैं गिर नेशनल पार्क में इनका संरक्षण किया जाता है आगे द्वारकाधीश मंदिर जगत मंदिर जिसे हम कहते हैं ये कहाँ पर देखने को मिलेगा बताइए गुजरात जम्मू काश्मीर मिजोरम या फिर झारखंड है ना मिज़ोरम या फिर झारखंड आंसर करके बताइए

ऑप्शन नंबर अच्छा लला ठीक है देख लिया चलो ऑप्शन नंबर सी अगला क्वेश्चन देखो नेक्स्ट नेक्स्ट है आपके सामने सो so, इतने हमारे पास थे टोटल 50 पार्ट हमने कल कल किया था आज देख लीजिएगा कि कल कितने स्टूडेंट्स ने आंसर किया था वैसे बहुत ज्यादा लोगों ने तो आंसर किया नहीं था क्योंकि आंसर करना आप लोग भूल चुके हैं चलिए यहाँ पर हाल ही में हिंसा के जोखिम वाले देशों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है पाकिस्तान अफगानिस्तान यूक्रेन या फिर नन ऑफ दीस आंसर एक बार करके बताइए ठीक है आंसर एक बार करके बताएगा अच्छा ठीक है बताइएगा भाई राकेश योगेंद्र यहां पर क्या है कि अगर हम बात करें जो मास किलिंग होती है ना मास लिंग यानी कि सामूहिक हत्या अगर आप इसे कह सकते हैं ये सबसे ज्यादा कौन से देश में देखने को मिली यानी सबसे जोखिम वाले देश में सबसे नंबर वन की सूची नंबर वन की अगर हम बात करते हैं सूची में नंबर वन की बात करते हैं तो वो आपका पाकिस्तान है ठीक है वो आपका कौन सा है पाकिस्तान हो जाता है आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है ठीक है ए बिल्कुल सही जवाब है आगे क्वेश्चन ऑफ द डे यानी आज के लिए आपका कौन सा क्वेश्चन है जो कि आप सभी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा वो क्वेश्चन आपके सामने ये रहा ये क्वेश्चन क्वेश्चन वही question होते हैं जो आज से एक दिन पहले हम लोग पढ़ चुके होते हैं सो so, आपको इसका आंसर करने के लिए जीडीपी तो की, की बात कर रहे हैं यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं so, 6 6 6 या फिर इनमें से कोई भी नहीं सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत है इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जाके देंगे है ना कमेंट बॉक्स में जाके इस क्वेश्चन का आंसर देंगे इसका आंसर चाहे गलत दीजिए चाहे सही दीजिए लेकिन आज मुझे सभी के आंसर चाहिए ठीक है और सेशन को जिसने लाइक like नहीं किया है अभी भी बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने सेशन को लाइक like नहीं किया तो एक बार सेशन को लाइक like कर दीजिएगा आंसर देंगे पहले आंसर बताएंगे फिर उनकी डिटेल्स भी बता दीजिएगा अगर आपको पता होती है तो ठीक है सेशन की टाइमिंग डेली सुबह सेवन ए है डेली सुबह सेवन एम आपके यहाँ पर क्लास शुरू हो जाती है और जितने भी स्टूडेंट्स को क्लास से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जानकारी वगैरह चाहिए होती है या फिर हमें कोई भी जानकारी आपको देनी होती है सो so, उसके लिए हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है करंट अफेयर्स बाय अनुपमा मैम इसे आप सर्च करेगा खैर जो लिंक है वो पिन कर दी गई है कमेंट बॉक्स में आप उस लिंक के जरिए जो है उस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो सकते हैं जहाँ पर आपको इस क्लास की बिल्कुल फ्री पी दी जा रही है ठीक है बिल्कुल फ्री पी डी पर इसको दी जा रही है सो so, आप इस पे ज्वाइन हो जाएगा जितनी भी इंफॉर्मेशन वगैरह है पीडीएफ है या भी कोई शॉर्ट्स वगैरह है कुछ भी अगर आपको न्यूज़ देनी होगी सो so, आपको यहीं पर ही दी जाती है इसी प्लेटफॉर्म में सो so, कनेक्ट होने के लिए आपको इस टेलीग्राम चैनल में कनेक्ट होना पड़ेगा ठीक है इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग मुझे कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा दे अब मिलेंगे नौ बजे वाली क्लास में जो कि आपके डिजिटल लाइब्रेरी पर होती है जिसमें हम पूरे साल का करेंट अफेयर्स पढ़ते हैं सो so, उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड मिलते हैं नौ बजे थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे